क्या टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है? आइए इसे समझते हैं। टाइम ट्रेवल को समझने के लिए पहले हमें आयाम यानी डायमेंशंस को समझना होगा। हम अर्थ पे 3 डायमेंशंस में रह रहे हैं। पहले इसे समझते हैं। पहले डायमेंशन में हम आगे पीछे जा सकते हैं और दूसरी डायमेंशन में हम आगे पीछे दाएं बाएं जा सकते हैं। तीसरी डायमेंशन में हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th डायमेंशन, जिसमें हम समय के परे जा सकते हैं, जहां पर टाइम काम नहीं करता। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कैलकुलेशन हम इस 4th डायमेंशन में पहुंचकर कर सकते हैं, लेकिन इस डायमेंशन तक किस तरह जाया जा सकता है, आइए जानते हैं। पर पहले, अगर आपने हमारे फैक्टफुल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, आपके काम आएगा। 4th डायमेंशन को समझने के लिए पहले आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फॉर्मूला E=mc² को समझना होगा। इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी चीज को लाइट की स्पीड से चलाया जाए तो उस चीज की स्पीड जितना तेज होती जाएगी, टाइम उस चीज के लिए उतना ही स्लो होता जाएगा। इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है और आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर उस ट्रेन में आप 7 दिन ट्रेवल कर रहे हो तो आपके लिए तो वो टाइम नॉर्मल ही होगा। लेकिन जब आप उस ट्रेन से बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 65 साल बीत चुके हैं, यानी कि आप फ्यूचर में जा चुके हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसी ट्रेन नहीं बनी जो लाइट की स्पीड से चलती हो, तो क्या ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसे हमारे साधु योग के जरिए हजारों साल पहले ही पॉसिबल बना चुके हैं। वो गहरे ध्यान में जाकर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी भी डायमेंशन में जा सकते थे। इससे वह किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर आसानी से बता सकते थे। लेकिन क्या ये आज के टाइम में पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।